Welcome back friends. In your on channel mining support, principle of hydraulics and mine pumps. ठीक है, hydraulics और mine pumps के बारे में क्या क्या principles involved है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं. ठीक है, तो बोला जा रहा है, a fluid is a substance which may be liquid or a gas. ठीक है, fluid एक ऐसा substance है जो either liquid हो सकता है या तो gas हो सकता है. ठीक है, मतलब जिसमें flow करने की ability हो. ठीक है, it is capable of flowing and offers negligible resistance. ठीक है, मतलब fluid जो flow करने की capability हो और negligible resistance offer करे. ठीक है, to change of shape, whereas a gas completely fills the space in which it is placed, a liquid has limited volume and if the container is big enough, it will have a free surface. Okay, liquid के पास क्या होता है, big क्या बोलते हैं, लिक्विड के पास लिमिटेड वॉल्यूम होता है और वो कंटेनर जिसमें भी हम उसको पुट करेंगे वो उसका फ्री सरफेस पे ऑक्यूपाई कर लेगा. अब हो रहा है क्या, द वर्किंग ऑफ पंप्स एंड सच अदर डिवाइसेस एज द हाइड्रोलिक प्रेस शिफन ईटीसी डिपेंड्स ऑन द फ्लोइंग वेल फैमिलियर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. ओके, मतलब पंप्स का क्या प्रॉपर्टीज है, वर्किंग ऑफ पंप्स एंड सच अदर डिवाइस एज हाइड्रोलिक्स प्रेस सीफॉन्स ईटीसी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग वेल फैमिलियर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड. जैसे कि लिक्विड्स फाइंड्स देयर ऑन लेवल, तो जितने भी पंप्स जो है और अदर हाइड्रोलिक स्प्रेस वगैरह जो बने हुए हैं तो कौन से प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, कौन सा प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसका जानकारी हमको कहाँ से मिलेगा कि लिक्विड्स बोल रहा है ना कौन कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ये जानकारी मिलेगा हमको. लिक्विड्स फाइंड देयर ऑन लेवल, माने इसका जो प्रिंसिपल डेवलप हुआ कहाँ से डेवलप हुआ, कि लिक्विड जितने भी हैं वो अपना लेवल को पहले पता करते हैं. ठीक है, मतलब अपना सतह पर वो मेंटेन रखते हैं. ठीक है, कोई भी लेवल उसको तुरंत मालूम चल जाता है और वही लेवल को मेंटेन रखता है. ठीक है, तो लिक्विड फाइंड देयर ऑन लेवल, अ लिक्विड इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड जो है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है. इन दिस रिस्पेक्ट इट डिफर्स फ्रॉम गैस विच इज ईजली कॉम्प्रेसिबल. ओके, लिक्विड जो है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है. ठीक है, लिक्विड जो है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है और इन दिस रिस्पेक्ट इट डिफर्स फ्रॉम द गैस विच इज इक्वली विच इज ईजली कॉम्प्रेसिबल. लेकिन ये डिफर करता है किससे ना, गैस से, और ये ईजली कॉम्प्रेसिबल होता है. ठीक है, मतलब गैस विच इज ईजली कॉम्प्रेसिबल, गैस जो है लिक्विड की अपेक्षा अंतर है क्या, कि गैस जो है ईजली कॉम्प्रेसिबल है. अ लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डिरेक्शंस इन द कंटेनर, जो भी कंटेनर में पुट करेंगे लिक्विड जो है इक्वल प्रेशर कंटेनर पे लगाएगा. ठीक है, एट एनी पार्टिकुलर डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस, प्रेशर एट ए गिवन पॉइंट इन अ लिक्विड एक्ट्स इक्वली इन ऑल डिरेक्शंस. ठीक है, कोई भी प्रेशर जो है कि गिवन पॉइंट पे लिक्विड एक्ट्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, हर एक डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है कौन, लिक्विड. प्रेशर पर यूनिट एरिया वेरीज डायरेक्टली एज द हेड. ठीक है, प्रेशर पर यूनिट एरिया वेरीज डायरेक्टली एज हेड, दैट इज द वर्टिकल डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस. इफ इट बी डिजायर्ड द वर्टिकल डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस, इफ इट बी डिजायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑन इमर्ज्ड एरिया आइदर वर्टिकल और इंक्लाइंट. ठीक है, मतलब प्रेशर पर यूनिट एरिया वेरी करता है किस तरह से ना, डायरेक्टली. ठीक है, द वर्टिकल डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस इफ द डिजायर टू कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑन इमर्ज्ड एरिया आइदर वर्टिकल और इंक्लाइंट. ठीक है, मतलब प्रेशर पर यूनिट एरिया डायरेक्टली वेरी करता है. ठीक है, मतलब एरिया यदि बढ़ेगा तो प्रेशर क्या बोला है ना, प्रेशर बढ़ेगा. प्रेशर पर यूनिट एरिया वेरीज डायरेक्टली एज द हेड. ठीक है, हेड बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा. ठीक है, पर यूनिट एरिया, इसका मतलब है कि प्रेशर पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रेशर बढ़ेगा. कब बढ़ेगा, जब हेड बढ़ेगा तो. ठीक है, पंप का हेड जैसे बढ़ेगा, दैट इज वर्टिकल डेप्थ बिलो द फ्री सर्फेस, मतलब जितना भी वर्टिकल डेप्थ जो है बढ़ेगा प्रेशर पर यूनिट एरिया उतना ही बढ़ेगा, ये पॉइंट ये कह रहा है. ठीक है, इफ इट टू बी डिजायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑन एन इमर्ज्ड एरिया आइदर वर्टिकल और इंक्लाइंड, इंक्लाइंड हो या वर्टिकल हो उस तरह से हम लोग प्रेशर हेड निकालते हैं. ठीक है, तो जितना ही वर्टिकल डेप्थ होगा उतना ही हमारा प्रेशर पर यूनिट एरिया होगा. ठीक है, अगला पॉइंट बोल रहा है 5, व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड आइदर पार्शियली और होली, व्हेन ए बॉडी इमर्ज्ड आइदर पार्शियली और होली इन ए होली इन अ लिक्विड, द लिक्विड प्रेशर वर्टिकली अपवर्ड्स. ठीक है, द लिक्विड
प्रेसेस वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ओके, व्हेन ए लिक्विड इज इमर्स्ड आइदर पार्शियली और होली इन अ लिक्विड, द लिक्विड प्रेसेस वर्टिकली अपवर्ड विद ए फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ओके, दिस इज नॉन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. द अपवर्ड प्रेशर बाय द लिक्विड ऑन ए बॉडी इमर्स्ड इज कॉल्ड ए बायंसी ऑफ द लिक्विड. ठीक है, मतलब जो भी कोई भी पार्ट कोई बॉडी को हम पार्शली अंशतः या पूर्णतः, ठीक है, बोलता है इमर्ज इन ए लिक्विड आदर पार्शली और होली इन अ लिक्विड, द लिक्विड प्रेसेस वर्टिकली अपवार्ड. तो लिक्विड क्या करता है, इसका रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवार्ड देता है, जो कि इक्वल होता है किसका ना, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. दिस इज नॉन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. द अपवार्ड प्रेशर बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी इमर्ज इज कॉल्ड द बायंसी ऑफ द फोर्स. जो भी अपवार्ड फोर्स बॉडी में एक्ट होता है, ठीक है, द अपवार्ड प्रेशर बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी इमर्ज इज कॉल्ड द बायंसी ऑफ द लिक्विड. ओके, तो जो भी अपवार्ड फोर्स इमर्ज करता है, जो कोई बॉडी को हम इमर्ज करते हैं, तो जो अपवार्ड फोर्स लगता है, अपवार्ड प्रेशर लगता है बाय द लिक्विड ऑन द बॉडी, तो उसको बोलते हैं बायंसी ऑफ द फोर्स लिक्विड. ठीक है, तो उसको बायंसी ऑफ द लिक्विड हम लोग कहते हैं. ठीक है, अब बर्नौलीज थ्योरम चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम पे आते हैं, देखते हैं क्या है पॉइंट, क्या कह रहा है बर्नौलीज थ्योरम, क्या स्टेट कर रहा है, बोल रहा है क्या बर्नौलीज थ्योरम. इट स्टेट्स व्हेन ए लिक्विड फ्लो थ्रू ए पासेज. ठीक है, इट स्टेट्स दैट व्हेन ए लिक्विड फ्लोज थ्रू ए पासेज और ऑफ बेयरिंग क्रॉस सेक्शन. इट स्टेट्स दैट जब भी कोई भी लिक्विड पास कर रहा है बेयरिंग क्रॉस सेक्शन से, द टोटल एनर्जी ऑफ द मूविंग स्ट्रीम रिमेन्स कॉन्स्टेंट. द टोटल एनर्जी ऑफ द मूविंग स्ट्रीम रिमेन कॉन्स्टेंट एज्यूमिंग नो फ्रिक्शन लॉसेज. ठीक है, मतलब जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है अलग अलग क्रॉस सेक्शन से, बेयरिंग क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, द टोटल एनर्जी ऑफ द मूविंग स्ट्रीम रिमेन कॉन्स्टेंट. तो उस केस में क्या होता है, टोटल एनर्जी जो होता है मूविंग स्ट्रीम का कॉन्स्टेंट रहता है एज्यूमिंग नो फ्रिक्शन लॉसेज. ठीक है, तो उसमें क्या एज्यूम करना है कि एज्यूमिंग नो फ्रिक्शन लॉसेज, कोई फ्रिक्शन का लॉस नहीं होता उसमें पूरा. द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जीज. टोटल एनर्जी किस क्या होता है ना, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी. तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी. एंड सो इट फॉलोज दैट ए रिडक्शन इन द वेलोसिटी एनर्जी इज एकॉम्पेनिड बाय ए कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द प्रेशर एनर्जी. ठीक है, बोला टोटल एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी का दोनों का टोटल होता है, सम होता है. ठीक है, सो इट फॉलोज दैट रिडक्शन इन द वेलोसिटी एनर्जी इज एकॉम्पेनिड बाय कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द प्रेशर एनर्जी. ठीक है, यदि प्रेशर एनर्जी हमारा बढ़ेगा तो वेलोसिटी एनर्जी में हमारा डिग्रेडेशन दिखेगा. ठीक है, मतलब घटा हुआ दिखेगा डिग्रेडेशन. ठीक है, मतलब डिक्रीज हो जाएगा वेलोसिटी एनर्जी. ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी. टोटल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी का सम है. ठीक है, ये तो मालूम है किसी को भी. सो इट फॉलोज, इसलिए ये फॉलो करता है क्या, दैट द रिडक्शन इन द वेलोसिटी एनर्जी इज एकॉम्पेनिड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द प्रेशर एनर्जी. ठीक है, तो इसलिए प्रेशर एनर्जी यदि बढ़ेगा तो वेलोसिटी एनर्जी घटेगा. इफ़ यू एंड वी आर द वेलोसिटीज ऑफ वाटर एट टू पॉइंट्स इन अ पाइपलाइन. ठीक है, कोई एक पाइपलाइन है जिसमें यू और वी वेलोसिटीज है वाटर अलग अलग पॉइंट्स पे. ठीक है, द डिफरेंस इन द प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर इज, तो अलग अलग प्रेशर एनर्जी का डिफरेंस हमारा किस तरह से निकलेगा, प्रेशर एनर्जी इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय टू जी माइनस यू स्क्वायर बाय टू जी. ठीक है, अलग अलग क्रॉस जैसे क्रॉस सेक्शन पे वैरी कर रहा है तो उसमें हमारा प्रेशर एनर्जी का क्या डिफरेंस निकलेगा, तो प्रेशर एनर्जी हमारा क्या होगा, पी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय टू जी माइनस यू स्क्वायर बाय टू जी. ठीक है, द थियोरिटिकल ज्ञान, दिस थियोरिटिकल ज्ञान हाउ एवर इज नेवर ऑब्टेंड इन प्रैक्टिस. ठीक है, ये थियोरिटिकल ज्ञान जो हमारा प्रैक्टिस में क्या बोल रहा है, नेवर बी ऑब्टेंड इन प्रैक्टिस फॉर इट एज्यूम्स परफेक्ट कन्वर्सन ऑफ एनर्जी एंड इट इग्नोर्स ऑल द फ्रिक्शंस एंड शॉक लॉसेस विद डिलीवरिंग पैसेज. ठीक है, तो डिलीवरिंग पैसेज के साथ ये क्या करता है ना, एज्यूम करते हैं कि कन्वर्सन ऑफ एनर्जी इग्नोर्स ऑल फ्रिक्शन एंड शॉक लॉसेज. ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन और शॉक लॉस को ख़त्म करने पर हम जो क्या बोलते हैं ना कि हम लोग परफेक्ट एनर्जी को ट्रांसमिशन, इस तरह से हम लोग एज्यूम करते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, दिस इज ऑफकोर्स ओनली द प्रेशर प्रोवाइडेड बाय द लिक्विड कॉलम. This is of course only the pressure provided by the liquid column. If there were also some pressure on the top surface of the liquid, the pressure at the bottom of the column would be greater. ठीक है, बोल रहा है क्या, if of course only the pressure provided by the liquid column, if there were also some pressure on the top, कुछ टॉप में कुछ प्रेशर है, टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कॉलम वुड बी ग्रेटर. द प्रेशर
द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कॉलम वुड बी ग्रेटर, तो मैंने प्रेशर जो है बॉटम मैंने लिक्विड कॉलम का जो बॉटम पे जो प्रेशर है वो जो है वुड बी ग्रेटर, कहाँ से, टॉप के, ठीक है। सपोज ए फोर्स एफ वन इज अप्लाइड टू ए पिस्टन ऑफ एरिया ए वन रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड इन अ नैरो लिम, ठीक है। एफ वन फोर्स अप्लाई हो रहा है टू ए पिस्टन ऑफ एरिया ए वन, ए वन एरिया का एफ वन फोर्स लग रहा है कोई भी पिस्टन पे रेस्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड, कोई भी टॉप ऑफ द लिक्विड पे वो रेस्ट कर रहा है इन द नैरो लिम्स, देन प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू एफ बाय ए, एफ वन बाय ए वन। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्या, द प्रेशर एट एक्स जो है हमारा एफ वन बाय ए वन प्लस एच डी जी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एज प्रेशर एट वाई, द प्रेशर एट जेड इज इक्वल्स टू प्रेशर एट वाई माइनस एच टू डी जी। इफ द फोर्स एट जेड इज एक्टिंग ऑन द एरिया ए टू, द फोर्स एट जेड इज इक्वल टू प्रेशर एट जेड क्रॉस ए टू, जेड इंटू ए टू दैट इज इक्वल टू एफ टू, ठीक है। तो प्रेशर एट जेड इज इक्वल टू एफ टू बाई ए टू जो कि इक्वल होता है एफ वन बाई ए वन प्लस एच डी जी माइनस एच टू डी जी, ओके। क्यों, क्योंकि हमारा एफ वन बाई ए वन प्लस एच डी जी जो हमारा एक्स के बराबर है, ठीक है। तो एक्स एक्स माइनस हमारा बोल रहा है क्या एच टू डी जी, एच टू डी जी हमारा क्या है, मतलब हम टोटल को मान रहे हैं एफ वन बाई ए वन प्लस एच डी जी को हमको मान रहे हैं वाई, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एज द प्रेशर एट वाई, और वाई माइनस एच टू डी जी को हम करेंगे तो हमारा प्रेशर एट जेड निकलेगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ टू बाई ए टू, ठीक है। इस हिसाब से इट ऑलमोस्ट इसको समझने का जो जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या हाइड्रोलिक्स में होता क्या है। द हाइड्रोलिक्स लिफ्ट इज मशीन विच कैन बी यूज फॉर द कन्वर्टिंग ए स्मॉल फोर्स एफ वन इंटू अ ग्रेट लार्जर फोर्स एफ टू, ठीक है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक पुश क्या है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज अ मशीन विच इज यूज टू कन्वर्टिंग अ स्मॉल फोर्स एफ वन इंटू अ लार्जर फोर्स एफ टू, ठीक है। मतलब कोई भी छोटे से फोर्स को लार्जर फोर्स में कन्वर्ट करने का एक मशीन है हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इसको कैसे होता है, मैकेनिकल एडवांटेज एम ए इज इक्वल्स टू एल बाई ई, ठीक है। माली एम ए एल ई माली, इस तरह से शॉर्टकट याद रख सकते हैं एम ए एल ई। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट, ये याद रखना है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड बाय एफर्ट एफ टू बाय एफ वन दैट इज इक्वल्स टू ए टू बाय ए वन, ओके। मैकेनिकल एडवांटेज नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट एफ टू बाई एफ टू बाई एफ वन इज इक्वल टू ए टू बाई ए वन, ओके। इलिस्ट्रेटिंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट को इस तरह से इलिस्ट्रेट करते हैं और आगे हम देखते हैं क्या होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में। मैंने एक तरफ एच वन है, एफ वन फोर्स लग रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन छोटा है इन कंपेरिजन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए टू, ठीक है। और दूसरे केस में क्या, हाई एच टू तुम्हारा आपका छोटा है, हाइट कम है, हम यदि एफ वन फोर्स लगा रहे हैं तो इक्वल हमारा प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है एफ टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए टू पर, और जो कि काफ़ी मैंने वो ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एरिया जिसे हमारा बड़ा है, ठीक है, और एरिया ए वन कम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि लोड हमारा एफ टू पे आता है पहले, लोड बाय एफर्ट, ठीक है। तो लोड जितना होगा बाय एफर्ट हम कितना लगा रहे हैं, तो ए टू बाई ए वन मैंने हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या होता है एम ए एल ई माली, तो माली से क्या होगा मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड बाय एफर्ट, मैंने कंफ्यूजन होता है कि एफर्ट पहले होगा कि लोड पहले होगा, ठीक है। उसको एलिमिनेट करने के लिए एम ए एल ई मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट, तो एफ टू बाई एफ वन या ए टू बाई ए वन हमारा पॉजिटिव आएगा मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। द लोड राइज ए डिस्टेंस एस देन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पुस्ड इन टू राइट हैंड लिम दैट इज एस क्रॉस ए टू, दिस क्वांटिटी मस्ट हैव बीन पुस्ड आउट द लेफ्ट हैंड लिम by effort, the distance moved by the effort is as the volume of liquid pushed out that is s1 s cross a1, so s cross a2 is equals to s cross a1 is equals to s into a1 is equals to s cross a2, sorry cross भी बोल सकते हैं, multiply भी कर सकते हैं, ठीक है, वही है s into a1 is equals to s into a2, तो velocity ratio is equals to capital S by small s, मतलब क्या डिस्टेंस मूव्ड है एफर्ट एस, मैंने एफर्ट बाय क्या बोल रहे हैं ना एफर्ट बाय लिक्विड पुश्ड, ठीक है, जितना हम लिक्विड पुश्ड कर रहे हैं एफर्ट बाय लोड, ठीक है। तो लोड को हम लोग मैंने एस से मान रहे हैं और एफर्ट को हम लोग एस लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब कितना डिस्टेंस मूव किया, मैंने हम एफ क्या बोलते हैं एफर्ट लगाने पर, ठीक है, हम लोग लोड पे कितना राइज कर रहा है, तो एस डिस्टेंस राइज कर रहा है,
हम लोग एफर्ट यदि एस डिस्टेंस तक लगाएं तो ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, एस बाय एस, ठीक है, कैपिटल एस डिस्टेंस मूव किया बाय स्मॉल एस डिस्टेंस यदि मूव कर रहा है, मतलब एस डिस्टेंस स्मॉल एस कैपिटल एस डिस्टेंस हमारा क्या है, एफर्ट लगाने पर उतना हमारा डिस्प्लेसमेंट मिला, तो लोड पे लोड जब रखें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एस है, तो उसका जो रेशियो होगा वो हमारा वेलोसिटी रेशियो होगा, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वी आर है, उसके बाद फिर अगला, फिर ए टू बाई ए वन हमारा इस तरह से देता है, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिक में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी हम लोग बस आई वाज कर लिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है हाइड्रोलिक्स फाइंड्स एन एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन द वर्किंग ऑफ पम्प्स, ठीक है। तो हाइड्रोलिक्स क्या करता है, तो सिंपली समझना है कि हाइड्रोलिक फाइंड्स एन एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन द वर्किंग ऑफ पम्प्स इन माइन, ठीक है। तो माइन्स में हम लोग हाइड्रोलिक्स जो है एक्सटेंसिव एप्लीकेशन यूज होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक्स का, ठीक है। अब इसमें कौन सा पंप ज़्यादा अच्छा है, कौन सा पंप ज़्यादा अच्छा मैंने यूज़फुल नहीं है, कौन सा पंप में क्या डिसएडवांटेज है एडवांटेज है, सब हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, माइन मशीनरीज एंड पंप्स में, ठीक है। तो माइन पंप्स में तो बोल रहा है क्या, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर लार्जली लार्जली प्ले रिप्लेस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल और टर्बाइन पंप, ओके। मतलब रेसिप्रोकेटिंग पंप्स को हम लोग रिप्लेस करते हैं किसके हिसाब से, ना सेंट्रीफ्यूगल पंप के यूज से, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप हो या तो टर्बाइन पंप, मेनली बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर बल्की। रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है कि उसका क्या खामियाजा है, उसमें कमी क्या है कि वो काफ़ी बल्की होता है, स्लो स्पीड मेकअप मोर नॉइस, ठीक है। इसका काफ़ी स्लो स्पीड होता है, काफ़ी नॉइस करता हैव मोर मूविंग पार्ट्स एंड डैम एंड डिमांड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ मेंटेनेंस का डिमांड करता है कौन, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक है। लेकिन वहीं पे सेंट्रीफ्यूगल पंप या तो टर्बाइन पंप उसकी जगह पे काफ़ी अच्छा सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। रोटेटरी पंप्स लाइक द सेंट्रीफ्यूगल एंड टर्बाइन पंप्स, रोटेटरी पंप्स लाइक द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड टर्बाइन पंप्स आर डायरेक्ट कपल्ड टू द इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है। तो रोटेटरी पंप्स लाइक सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और टर्बाइन पंप्स जो है डायरेक्टली कपल किया रहता है किसे, इलेक्ट्रिक मोटर से। एलिमिनेटिंग द यूज ऑफ बल्की गियरिंग अरेंजमेंट्स इन द फॉलोइंग पेजेस, ओनली द सेंट्रीफ्यूगल एंड टर्बाइन पंप्स एंड द पंप ऑफ स्पेशल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे कि रोटो पंप जो है डिस्क्राइब किया जाएगा आगे, ठीक है। तो देखते हैं टर्बाइन पंप के बारे में हम लोग क्या है इसमें, ठीक है ना। टर्बाइन एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, टर्बाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप जो कि सब्स्टिट्यूट है हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप का, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग पंप के जगह पे हम लोग टर्बाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसका क्या खासियत है, खास बात क्या है वो देखते हैं। बोला अ सेंट्रीफ्यूगल पंप कंसिस्ट इसेंशियली ऑफ एन इम्पेलर, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो क्या क्या पार्ट्स कंटेन करता है, सबसे पहले कोई भी पूछ दे तो हमको उसको जब एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना सबसे पहले, तो सिंपली और कोई भी एग्जाम में हमको क्या बोलेगा कि ये कौन सा पंप का पार्ट्स है, तो उस समय हम लोग इसको डिसाइड कर पाएंगे तुरंत ही, यदि हम सुने रहेंगे पढ़े रहेंगे जाने रहेंगे, ठीक है। बोला जा रहा है कि अ सेंट्रीफ्यूगल पंप कंसिस्ट इसेंशियली ऑफ एन इम्पेलर, ठीक है। इम्पेलर कंटेन करता है कौन, सेंट्रीफ्यूगल पंप। आगे बोल रहा है एन इम्पेलर की टू ए शाफ्ट, ठीक है। इम्पेलर जो है शाफ्ट की ओर कीइंग किया रहता है, अ स्टेशनरी स्पायरल वॉल्यूट केसिंग विद इन विच द इम्पेलर रोटेट्स रैपिडली यूजली 1450, मतलब 1450 से 3000 RPM तक, ठीक है। मैंने स्टेशनरी स्पायरल और वॉल्यूट केसिंग जो है मूव करता है विद इन विच द इम्पेलर रोटेट्स, तो रोटेट्स कहाँ पे मूव करता है ना, वॉल्यूट केसिंग पर रोटेट करता है, तो उसका स्पीड कितना होता है ना, 1450 से लेकर के 3000 RPM तक होता है, ठीक है। अब सक्शन पाइप कनेक्टिंग फ्लैंज, सक्शन पाइप जो है फ्लैंज से कनेक्ट होता है, डिलीवरी पाइप्स कनेक्टिंग फ्लैंज, और डिलीवरी पाइप जो है डिलीवरी पाइप कनेक्टिंग फ्लैंज होता है। अब बोल रहा है इम्पेलर के बारे में कुछ स्पेशल मैंने डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। बोल रहा है द इम्पेलर लुक्स, द इम्पेलर लुक्स लाइक अ व्हील फॉर्म्ड ऑफ टू डिस्क, ठीक है। इम्पेलर जो है जस्ट ऐसे दिखता है जैसे कि व्हील फॉर्म्ड, व्हील जो है फॉर्म्ड ऑफ टू डिस्क, ठीक है, मैंने दो डिस्क से बना हुआ व्हील है, ठीक है। इम्पेलर लुक्स लाइक अ व्हील फॉर्म्ड ऑफ टू डिस्क बिटवीन विच अ नंबर ऑफ कर्व्ड ब्लेड्स ऑफ वेन्स आर फिक्स्ड, ठीक है। इम्पेलर ऐसे दिखता है जैसे कि लगे कि दो चक्का फिट है, ठीक है। लाइक अ व्हील फॉर्म्ड ऑफ टू डिस्क बिटवीन विच ए नंबर ऑफ कर्व्ड वेन्स और वेन्स नंबर ऑफ कर्व्ड ब्लेड्स और वेन्स आर फिक्स्ड, ठीक है। वेन्स या तो कर्व्ड ब्लेड जो है फिक्स होता है, दीज ब्लेड्स आर यूजली कर्व्ड बैकवर्ड्स, ठीक है। ये ब्लेड जो है मतलब बोला जा रहा है कि अब
इम्पेलर जो है कि एक चक्का की तरह दिखता है, जिसमें से टू डिस्क मतलब दो डिस्क प्लेट कंटेन होता है। तो डिस्क कंटेन होता है बिटवीन विच ए नंबर ऑफ कर्व्ड भैंस ऑफ भैंस कर्व्ड ब्लेड्स या तो भैंस, ठीक है, जिसमें से कर्व्ड ब्लेड हो या तो भैंस हो, पंखा हो, कंटेन फिक्स होता है। द ब्लेड्स आर यूजली कर्व्ड बैकवर्ड्स, पूछा जा सकता है कि ब्लेड किस तरह से किधर कर्व क्या होता है। ना दिस ब्लेड्स आर यूजली कर्व्ड बैकवर्ड्स कंपेयर्ड विद द डायरेक्शंस ऑफ द रोटेशन, और इसको हम लोग डायरेक्शंस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। देयर इज एन ओपनिंग एट द सेंटर कॉल्ड द आई ऑफ द इम्पेलर, ठीक है। अब देयर इज एन ओपनिंग एट द सेंटर, सेंटर पे एक ओपनिंग होता है जिसको आई ऑफ द इम्पेलर कहते हैं, ठीक है। सेंटरिंग सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ इम्पेलर कंटेंस, क्या कंटेन करता है, मतलब बोला जा रहा है दिस ब्लेड्स आर यूजली कर्व्ड बैकवर्ड्स एंड कंपेयर्ड विद द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन देयर इज एन ओपनिंग एट द सेंटर कॉल्ड आई ऑफ द इम्पेलर, ठीक है। तो इम्पेलर में एक सेंटर होल होता है जिसको हम लोग आई ऑफ द इम्पेलर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्या, देयर आर टू आईज और इंट्रीज, ठीक है, दो आई और दो इंट्रीज होता है, वन ऑन आइदर साइड्स ऑफ द इम्पेलर, द डायमीटर ऑफ द इम्पेलर रेंजेज बिटवीन हाफ डेढ़ से 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द आई, ठीक है। अब डायमीटर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कोई भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। देयर आर टू आईज ऑफ द इंट्रीज, ठीक है, मैंने दो आई होता है और इंट्रीज होता है, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द इम्पेलर, ठीक है, एक साइड या तो दोनों साइड किसका, नहीं इम्पेलर का, द डायमीटर ऑफ द इम्पेलर रेंजेस बिटवीन डेढ़ से 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द आई, ठीक है। डायमीटर जो है इम्पेलर का जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ द इम्पेलर रेंजेस बिटवीन डेढ़ से 3 गुना डायमीटर ऑफ द आई, ठीक है। आई आई के डायमीटर से जो इम्पेलर का जो है ना डायमीटर ऑफ द इम्पेलर रेंजेस, इम्पेलर का जो डायमीटर है रेंज उसका डेढ़ से 3 गुना होता है डायमीटर ऑफ द आई, है ना, डायमीटर ऑफ द आई का डेढ़ से 3 गुना होता है, ठीक है। द वाटर इंटर्स द वॉल्यूट केसिंग, द वाटर इंटर्स द वॉल्यूट केसिंग विच इज ऑफ अ स्पायरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। द वाटर इंटर्स द वॉल्यूट केसिंग विच इज ऑफ अ स्पायरल कंस्ट्रक्शन विथ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन इन द वॉल्यूट केसिंग, वाटर जो है इंटर करता है किस पे, मैंने ये बोल रहा है द वाटर इंटर्स द वॉल्यूट केसिंग कॉजिंग, द वाटर इंटर्स द वॉल्यूट केसिंग विच इज ऑफ स्पायरल कंस्ट्रक्शन विद ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, इंक्रीज करता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इन द वॉल्यूट केसिंग द वाटर वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेज, लेकिन वॉल्यूट केसिंग में क्या होता है, वाटर वेलोसिटी हम पहले बता चुके हैं कि वेलोसिटी हेड यदि घटेगा, वेलोसिटी एनर्जी घटेगा तो प्रेशर एनर्जी बढ़ेगा। तो हमारा क्या होता है ना कि वॉल्यूट केसिंग में ग्रेजुअली उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इंक्रीज करता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करने से वेलोसिटी एनर्जी घटेगा, प्रेशर एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। इन द वॉल्यूट केसिंग द वाटर वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेज बट द प्रेशर एनर्जी ऑफ द वाटर कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द अकॉर्डिंग्स विद द इन अकॉर्डेंस विद द बर्नौलीज थ्योरम एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कन्वर्सन ऑफ इनर्जी, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सन ऑफ इनर्जी पर बेस्ड होता है, ठीक है, मतलब प्रेशर वेलोसिटी हेड घटे वेलोसिटी एनर्जी घटेगा तो प्रेशर एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और वॉल्यूट केसिंग में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी हेड वेलोसिटी एनर्जी घटेगा, प्रेशर एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ये पॉइंट एकदम दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। व्हेन द वाटर लिप्स, अब बोला जा रहा है व्हेन द वाटर लिप्स द वॉल्यूट केसिंग इट पोजेस हाई प्रेशर एनर्जी बट ओनली अ लिटिल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब वाटर व्हेन द वाटर लिप्स द वॉल्यूट केसिंग इट पोजेस हाई प्रेशर एनर्जी बट ओनली अ लिटिल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इन प्रैक्टिस मोर देन हाफ द टोटल प्रेशर इज क्रिएटेड, ठीक है। बोरा इन प्रैक्टिस मोर देन हाफ द टोटल प्रेशर इज क्रिएटेड विद इन द इम्पेलर इट्स सेल्फ एंड बैलेंस द वॉल्यूट केसिंग, ठीक है। और इस प्रकार वो वॉल्यूट केसिंग को बैलेंस करता है, ठीक है। बोरा द पंप सच पंप इज सुटेबल फॉर लो हेड्स, ठीक है। अब पंप के बारे में बोला जा रहा है क्या, सच पंप्स इज सुटेबल फॉर लो हेड्स, और ऐसे पंप जो सुटेबल होता है क्या, लो हेड्स। लो हेड्स कितना होता है ना, अप टू 20 मीटर हम लोग लो हेड्स को काउंट करते हैं, ठीक है। लो हेड्स हम लोग कितना, अप टू 20 मीटर लो हेड काउंट करते हैं। एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर अप टू इवन फोर, कितना बोल रहे हैं, 400,000, ठीक है, दैट इज 4 लैक्स, ठीक है, 4 लैक्स लीटर पर मिनट, ठीक है। पंप ऑफ सुटेबल जो है, इस तरह का पंप जो सुटेबल होता है, अप टू 20 मीटर हाइट हेड होता है उसका, और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इवन 4 लैक्स लीटर पर मिनट हमारा वाटर डिस्चार्ज करता है। इन सम क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी इन स्मॉल क्वेरीज सॉरी इन स्मॉल क्वेरीज इन द कोल वाशरीज एंड फॉर इरिगेशन पर्पसेस ए सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज प्रूव्ड क्वाइट पॉपुलर, ठीक है।
इरिगेशन पर्पस, इरिगेशन पर्पस या वाशरीज में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं, हैज प्रूव्ड क्वाइट पॉपुलर। द वर्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड टर्बाइन पंप्स आर यूज्ड वेरी ऑफन लूजली टू डिस्क्राइब ए पंप इन विच वाटर डेवलप्स प्रेशर मेनली बाय रैपिड रोटेशन ऑफ इम्पेलर विद इन ए स्टेशनरी केसिंग। द टू टर्म्स ऑफ हाउ एवर डिफरेंट एंड ए टर्बाइन पंप डिफर्स फ्रॉम द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, अब यहाँ कोई पूछ दे कि टर्बाइन पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, कि सेम है क्या? को द टू टर्म्स हाउ एवर डिफरेंट, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है द टू टर्म्स हैव डिफरेंट मीनिंग एंड ए टर्बाइन पंप डिफर्स फ्रॉम ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इन दैट द फॉर्मल किस रिस्पेक्ट में अलग है। द फॉर्मर मतलब टर्बाइन पंप कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ इम्पेलर्स, टर्बाइन पंप्स कंटेन करता है नंबर ऑफ इम्पेलर्स माउंटेड ऑन वन शाफ्ट एंड द वाटर ऑफ इच इम्पेलर इंटर्स स्टेशनरी डिफ्यूजिंग चैनल्स ऑफ द डिफ्यूजर सराउंडिंग द इम्पेलर। ठीक है, और वाटर जो है अलग अलग इम्पेलर्स में स्टेशनरी अवस्था में क्या होता है, इन होता है। ठीक है, इम्पेलर्स माउंटेड ऑन वन शाफ्ट द वाटर ऑफ इच इम्पेलर इंटर्स स्टेशनरी। ठीक है, वाटर जो है इच इम द वाटर ऑफ इच इम्पेलर इंटर्स स्टेशनरी। ठीक है, वाटर जो है इच इम्पेलर में स्टेशनरी इंटर करता है डिफ्यूजिंग चैनल्स ऑफ द डिफ्यूजर सराउंडिंग द इम्पेलर। ठीक है, डिफ्यूजिंग चैनल्स ऑफ द डिफ्यूजर सराउंडिंग द इम्पेलर। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है सक्शन पाइप इज कैरिड बाय द रोटेटिंग इम्पेलर। सक्शन पाइप जो कैरिड करता है, सक्शन पाइप इज कैरिड बाय रोटेटिंग इम्पेलर। सक्शन पाइप जो हम लोग कैरी करता है, सक्शन पाइप इज कैरिड बाय रोटेटिंग इम्पेलर टू द पेरीफेरी एट ए हाई स्पीड एंड सम वॉट इंक्रीज प्रेशर एंड देन डिस्चार्ज इन टू ए डिफ्यूजर। द डिफ्यूजर कन्वर्ट्स मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इन टू द प्रेशर एनर्जी। ठीक है, द डिफ्यूजर डिफ्यूजर क्या करता है, मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इन टू प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन कॉजिंग। द डिफ्यूजर कन्वर्ट्स मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इन टू प्रेशर एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन कॉजिंग द वाटर टू पास अलॉन्ग ए पैसेज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन। इस हिसाब से फिर आगे डिफ्यूजिंग ग्रेजुअली डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन, इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन में पानी को डिस्चार्ज करता है, बोला है ना। द कर्व ब्लेड सो डिजाइन, अब ब्लेड्स का क्या कंस्ट्रक्शन है और किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, बोला क्या, द कर्व्ड ब्लेड सो डिजाइन दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इंक्रीज इनटू इट मोस्टली कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी। वहाँ पे ब्लेड इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो भी काइनेटिक एनर्जी वाटर का जो है और वो इंटर करता है हमारा वॉल्यूट केसिंग में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि वेलोसिटी एनर्जी हमारा कन्वर्ट हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा कन्वर्ट हो किसमें, प्रेशर एनर्जी में। सो दैट व्हेन द वाटर लीव्स द डिफ्यूजर, तो इस प्रकार की जब भी पानी डिफ्यूजर से लीव करे ठीक है, तो उस केस में उसके पास बहुत ही हाई प्रेशर एनर्जी हो और काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम हो। लीविंग द डिफ्यूजर द वाटर इंटर्स द नेक्स्ट इम्पेलर, और इस प्रकार से एक डिफ्यूजर से निकलते ही वाटर जो है अलग नेक्स्ट इम्पेलर में इन करता है एट ए हाई प्रेशर और काफ़ी हाई प्रेशर में एंड लो वेलोसिटी टू अंडर गो सिमिलर प्रोसेस, और उसमें भी यही प्रोसेस होता है ठीक है, वेयर बाय इट्स वेलोसिटी इज अगेन इंक्रीज, और इस प्रकार वहाँ वो रहा वेयर वेयर बाय इट्स वेलोसिटी इज अगेन इंक्रीज एंड प्रेशर फर्दर बूस्टेड, और वहाँ पे क्या होता है, अगला जो होता है मैंने अगला जो वॉल्यूट केसिंग है वहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी हेड को वेलोसिटी एनर्जी को फिर से बढ़ाया जाता है और प्रेशर एनर्जी को और भी बूस्ट किया जाता है। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल वाटर इंटर्स द डिलीवरी पाइप, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि वाटर पानी डिलीवरी पाइप में इन ना करे एंड विथ ए हाई प्रेशर बट ओनली अ लिटिल वेलोसिटी, और पानी ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है ठीक है, वाटर टिल एंटर्स द डिलीवरी पाइप एंड विथ ए हाई प्रेशर बट ओनली अ लिटिल वेलोसिटी, हाई प्रेशर और लिटिल वेलोसिटी के साथ इंटर करता है। ईच इम्पेलर विथ अ डिफ्यूजर सराउंडिंग इट कॉन्स्टिट्यूट्स द वन स्टेज एंड द हेड डेवलप्ड पर स्टेज वेरीज फ्रॉम 15 मीटर टू 50 मीटर डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर ऑफ द स्पीड ऑफ द इम्पेलर द कर्वेचर ऑफ द इम्पेलर वेयर बाय वेदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो कर्वेचर ऑफ द इम्पेलर क्या होता है, वेदर फॉरवर्ड होता है या तो बैकवर्ड होता है। ठीक है, इम्पेलर का कर्वेचर क्या होता है, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड होता है। ठीक है, इम्पेलर जो है डिफ्यूजर के सराउंडिंग कंसिस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूट करता है वन स्टेज या तो हेड डेवलप्ड पर स्टेज वेरीज फ्रॉम 15 मीटर टू 50 मीटर डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर ऑफ एंड द स्पीड ऑफ द इम्पेलर, स्पीड या तो डायमीटर के इम्पेलर के डायमीटर पर डिपेंड करता है। द कर्वेचर ऑफ द इम्पेलर वेयर बाय फॉरवर्ड वेदर बाय फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो कर्वेचर इम्पेलर का क्या होता है, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड होता है। द डिजाइन ऑफ द डिफ्यूजर, ठीक है, डिजाइन डिफ्यूजर का, द डिजाइन ऑफ द डिफ्यूजर
हमारा जैसे हम देख सकते हैं, आगे हम देखेंगे फिगर में, अ टर्बाइन पंप कैरीज ए बैलेंसिंग डिस्क। टर्बाइन पंप क्या करता है, बैलेंसिंग डिस्क कंटेन करता है, इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप। लेकिन अ टर्बाइन पंप कैरीज ए बैलेंसिंग डिस्क, ठीक है, विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड एट सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक स्पेशल पॉइंट है जो कि आपको अंतर दिखाने में सेंट्रीफ्यूगल पंप और टर्बाइन पंप में क्या डिफरेंस है उसको बताएगा कौन है। टर्बाइन पंप कैरीज ए बैलेंसिंग डिस्क, टर्बाइन पंप एक बैलेंसिंग डिस्क को कंटेन करता है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप ऐसा बैलेंसिंग डिस्क को कंटेन नहीं करता। इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन मोर डिटेल्स लेटर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आगे अगला बताया जाएगा इसको बढ़िया से। तो इसमें देखिए प्राइमिंग फ्यूनल है, डिलीवरी है, ठीक है, मोटर है, सक्शन है, पंप है, इसको पंप बोलेंगे, ठीक है, सक्शन बोलेंगे, डिलीवरी है, प्राइमिंग फ्यूनल है, मोटर है, ठीक है। अगला हम देखते हैं इसमें, इस फिगर में क्या बोल रहा है ना कि ये है टोटल हेड। टोटल हेड मतलब डिस्चार्ज से लेकर के हम वो स्ट्रेनर तक, ठीक है, स्ट्रेनर नहीं, फुट वाल्व, ठीक है, फुट वाल्व से हमको देखना है, ठीक है। तो फुट वाल्व से हम लोग मेजर करते हैं, तो फुट वाल्व से हम लोग हाइट को लेते हैं, तो टोटल हेड को काउंट हो गया वो, ठीक है। स्ट्रेनर जो है कि नीचे सबसे पानी में सबसे सबसे बॉटम पे जो डूबा होता है स्ट्रेनर होता है, फिर फुट वाल्व होता है, ठीक है, फिर होता है एच डी बोल्ट होता है, ठीक है, एच डी बोल्ट होता है, इसको एच डी बोल्ट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे फिर प्रेशर गॉज यहाँ पे दिया रहता है मोटर पे, कहाँ होता है मोटर पे, प्रेशर गॉज होता है, फिर होता है स्लूस, स्लूस वाल्व होता है, ठीक है, मोटर पे स्लूस वाल्व होता है, फिर होता है रिटेनिंग वाल्व। स्लूस वाल्व के बाद होता है रिटेनिंग वाल्व, स्लूस वाल्व के बाद रिटेनिंग वाल्व होता है, स्लूस वाल्व फिर रिटेनिंग वाल्व, और दोनों इसको कंबाइंडली क्या बोलेंगे, बाईपास वाल्व, ठीक है। ये पंप हो गया, फिर डीएच हो गया, एफडी हो गया, ठीक है। इस हिसाब से हम आगे फिर देखते हैं क्या इम्पेलर में किस तरह का डिज़ाइन क्या रहता है, भैंस को देखना है क्या बोल रहा है ना, कि पहले डिफ्यूजिंग चैनल, डिफ्यूजिंग चैनल है, इस तरह से डिफ्यूजिंग चैनल है, फिर आई ऑफ द इनलेट है, आई और इनलेट जिस इस तरह से दिखा रहा है, आई या तो इनलेट शाफ्ट दिख रहा है, शाफ्ट है, आई और इनलेट जो है शाफ्ट है, फिर इम्पेलर है, इम्पेलर है, फिर डिफ्यूज़र केसिंग है, ठीक है, डिफ्यूज़र केसिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, डिफ्यूज़र केसिंग, ठीक है। इतना कंस्ट्रक्शन था, बोल रहा है कि एफएस मतलब हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन सक्शन पाइप, एफडी मतलब हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन डिलीवरी पाइप था, एफडी का मतलब होता है हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन डिलीवरी पाइप, जो कि यहाँ दिख रहा है एफडी कहाँ गया, एफडी कहाँ गया, एफडी हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन डिलीवरी पाइप, और डीएच मतलब डिलीवरी हेड, डीएच दिख रहा है, डीएच डिलीवरी हेड इसको बोलेंगे, ठीक है, डीएच मतलब डिलीवरी हेड, ठीक है। कहाँ से काउंट होता है, मोटर के प्रेशर, मोटर के एकदम आई से काउंट होता है, ठीक है, आई के इक्विवेलेंट लेवल से, ठीक है, जहाँ पे वाटर छोड़ा वहाँ तक, वो हमारा डीएच होता है, डिलीवरी हाइट, डिलीवरी हेड। फिर एसएच मतलब सक्शन हेड, सक्शन हेड कहाँ से काउंट होता है, मैंने वाटर लेवल से लेकर के आई ऑफ द मैंने इम्पेलर के आई से, आई के जो लेवल है ना उसके इक्वल हमारा सरफेस हेड बोलते हैं, सक्शन हेड बोलते हैं, ठीक है। एफ एस मतलब हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन सक्शन पाइप, ठीक है। इसके बाद आते बोल आगे पॉइंट आता है, द टोटल नंबर ऑफ इम्पेलर्स, द टोटल नंबर ऑफ इम्पेलर्स, द टोटल नंबर ऑफ द नंबर ऑफ इम्पेलर्स ऑन द पंप शाफ्ट नॉर्मली डज नॉट एक्सीड 10 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बेंडिंग, ठीक है। मैंने नंबर ऑफ इम्पेलर्स जो है पंप में, पंप शाफ्ट में इंक्रीज इतना नहीं बढ़ता है, डज नॉट एक्सीड, डजेंट एक्सीड 10 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग को अवॉइड करने के लिए, द नंबर ऑफ इम्पेलर्स ऑन अ पंप शाफ्ट नॉर्मली डज नॉट एक्सीड 10 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बेंडिंग। बेंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए 10 से ज़्यादा हमारा क्या होता है, पंप शाफ्ट नॉर्मली बढ़ता नहीं है, ठीक है। टू रिड्यूस द लेंथ द डिफ्यूजर व्हेन प्लेस्ड साइड बाय साइड कंप्लीट द आउटर केसिंग, ठीक है, टू रिड्यूस द लेंथ द डिफ्यूजर व्हेन प्लेस्ड साइड बाय साइड कंप्लीट द आउटर केसिंग ऑफ द पंप एंड डिफ्यूज्ड डिफ्यूजर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय 4 or 5 लॉन्ग बोल्ट्स पासिंग थ्रू द फ्लैंज ऑफ द टू एंड कवर विच फॉर्म्स द सक्शन एंड डिलीवरी चैम्बर्स रिस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ इम्पेलर्स ऑन द पंप शाफ्ट नॉर्मली डज नॉट एक्सीड 10 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, ठीक है, तो कितना होता है, द नंबर ऑफ इम्पेलर्स ऑन द पंप शाफ्ट नॉर्मली डज नॉट एक्सीड 10 मतलब हमारा 10 से ज़्यादा हमारा इंपेलर जो है पंप शाफ्ट में नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। द नंबर ऑफ इंपेलर्स ऑन द पंप शाफ्ट नॉर्मली डज नॉट एक्सीड 10 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बेंडिंग, ठीक
ठीक है, बेंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमारा 10 से ज़्यादा इंपेलर्स बढ़ना नहीं चाहिए, रिड्यू एंड टू रिड्यूस द लेंथ द डिफ्यूजर्स एंड डिफ्यूजर्स व्हेन प्लेस साइड बाय साइड कंप्लीट द आउटर केसिंग, ठीक है, ऑफ द पंप एंड द डिफ्यूजर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय 4 or 5 लॉन्ग बोल्ट्स पासिंग थ्रू द फ्लेंजेस एंड टू ऑफ द टू एंड विच एंड कवर्स विच फॉर्म्स द सक्शन एंड डिलीवरी चैम्बर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ऑफ मोनो मोनो ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, इम्पेलर्स इज माउंटेड ऑन द मोटर शाफ्ट, इम्पेलर जो है मोटर शाफ्ट में माउंटेड होता है, इम्पेलर जो है मोटर शाफ्ट में माउंटेड होता है, टू अवॉइड लॉन्ग शाफ्ट लेंथ सच पंप्स इज ऑनली सिंगल स्टेज, ठीक है, अवॉइड लॉन्ग शाफ्ट लेंथ को अवॉइड करने के लिए हम लोग सच पंप इज ऑनली सिंगल स्टेज, और इस तरह के पंप जो है सिंगल स्टेज होता है, ठीक है, सिंगल स्टेज पंप होता है। ओके, नेक्स्ट होता है पंप फिटिंग्स में क्या क्या हो सकता है, ए फुट वाल्व इन द सक्शन पाइप टू प्रिवेंट वाटर रिटर्निंग टू द सम्प, बोल रहा है ए फुट वाल्व इन द सक्शन पाइप टू प्रिवेंट वाटर रिटर्निंग टू द सम्प, फुट वाल्व दिया जाता है किसमें, सक्शन पाइप में, किस लिए ना, टू प्रिवेंट वाटर रिटर्निंग टू द सम्प, सम्प में वाटर के रिटर्निंग को करने के लिए टू ए फुट वाल्व इन द सक्शन पाइप में फुट वाल्व दिया जाता है, फुट वाल्व इन द सक्शन पाइप टू प्रिवेंट वाटर रिटर्निंग टू द सम्प, पानी में वाटर को रिटर्निंग करने के लिए टू ए फुट वाल्व टू द इन सक्शन पाइप में फुट वाल्व जाता है, किस लिए, वाटर को पुनः सम्प में रिटर्न ना हो इसके लिए, ठीक है, फुट वाल्व किस में होता है ना, सक्शन पाइप में होता है, ए मैन वाल्व आल्सो कॉल्ड स्लूस वाल्व, ठीक है, मैन वाल्व को स्लूस वाल्व होते हैं, ठीक है, पंप फिटिंग्स में ये सब आता है, ठीक है, ए मैन वाल्व आल्सो कॉल्ड स्लूस वाल्व और गेट वाल्व, ठीक है, मैन वाल्व को बोलते हैं स्लूस वाल्व या तो गेट वाल्व बोलते हैं, इन द डिलीवरी कॉलम, ठीक है, डिलीवरी कॉलम में क्या होता है, स्लूस वाल्व या तो गेट वाल्व होता है जिसको मैन वाल्व भी कहते हैं। ओके, अभी हमारा ये टर्बाइन पंप क्या क्रॉस सेक्शनल हमारा फिगर है, ठीक है, टर्बाइन पंप किस तरह से डायग्राम है तो देखना है क्या, ये हमारा फ्लेक्सिबल कपलिंग है, फिर ये ग्लैंड है, वाटर इंट्री है, यहाँ पे वाटर इंट्री है, फिर ये डिफ्यूज़र है, डिफ्यूज़र इसको बोलेंगे, ठीक है, ये डिलीवरी है, फिर बैलेंस डिस्क है, फिर ये सक्शन चैम्बर है, फिर इम्पेलर है, ठीक है, ये सब इम्पेलर है जो घूमता है, फिर ये ग्लैंड है, बैलेंस डिस्क है, ठीक है, तो बैलेंस डिस्क जो है टर्बाइन पंप में होता है लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में बैलेंस डिस्क नहीं होता है, ये अंतर है दोनों में, ठीक है। अब बोल रहा है अ रिटर्निंग वाल्व टू होल्ड द वाटर इन द डिलीवरी कॉलम इन द पंप स्टॉप्स व्हाइल द मेन वाल्व इज ओपन, ठीक है, बोल रहा है द रिटर्निंग वाल्व टू होल्ड द वाटर इन द डिलीवरी कॉलम इफ द पंप स्टॉप्स, तो जब बोल रहा है रिटर्निंग वाल्व टू होल्ड द वाटर इन द डिलीवरी कॉलम इफ द पंप स्टॉप्स, पंप यदि स्टॉप है तो हमारा वाटर को होल्ड करता है कहाँ पे, डिलीवरी कॉलम में, ठीक है, तो हमारा रिटेनिंग वाल्व हमारा ऑपरेशन में आता है, ठीक है, व्हाइल द मैन वाल्व इज ओपन, लेकिन मैन वाल्व जो है ओपन होता है, ठीक है, बाईपास वाल्व टू इनेबल द पंप टू बी प्राइम्ड, ठीक है, बाईपास वाल्व क्या करता है, टू इनेबल द पंप टू बी प्राइम्ड विद द वाटर, ठीक है, वाटर से उसको प्राइम्ड करने के लिए बाईपास वाल्व काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैंने वो खुला हुआ रहता है विद द वाटर फ्रॉम द डिलीवरी कॉलम बिफोर स्टार्टिंग इट अप, ठीक है, वन ऑन अ स्मॉल पंप दिस इज जनरली नॉट प्रोवाइडेड, छोटा पंप में जो है बाईपास वाल्व जो है नहीं दिया जाता है, ठीक है, बाईपास वाल्व टू इनेबल द पंप टू बी प्राइम्ड विद द वाटर फ्रॉम द डिलीवरी कॉलम बिफोर स्टार्टिंग अप, ठीक है, स्टार्टिंग अप मैंने स्टार्ट करने से पहले, ऑन अ स्मॉल पंप दिस इज जनरली नॉट प्रोवाइडेड, छोटे पंप में जनरली नहीं दिया जाता है क्या बाईपास वाल्व, एयर कॉक्स टू रिलीज द एयर व्हेन प्राइमिंग द पंप, ठीक है, एयर कॉक्स प्रोवाइड किया जाता है वन ऑन ईच स्टेज, ठीक है, प्रत्येक स्टेज में एक एयर कॉक्स दिया जाता है टू रिलीज द एयर व्हेन प्राइमिंग द पंप, ठीक है, टू रिलीज द एयर व्हेन प्राइमिंग द पंप, ठीक है, एयर कॉक्स दिया जाता है टू रिलीज द एयर, वाटर हवा को निकालने के लिए जब उसको प्राइमिंग किया जाता है, ऑल दिस वाल्व्स आर एक्सटर्नल टू द पंप, जितने वाल्व्स हैं ये सब एक्सटर्नल टू द पंप है, मतलब पंप के बाहर रहते हैं, एंड रिमेन स्टेडी व्हाइल द पंप इज वर्किंग, और अपने काम पे लगा हुआ रहता है जब भी पंप अपना काम मतलब जब भी पंप ऑपरेशन में हो, ठीक है, अदर फिटिंग्स इंक्लूड ए प्रेशर गॉज ऑन द डिलीवरी ब्रांच, ठीक है, तो प्रेशर गॉज कहाँ पे होता है ये पूछा जा सकता है कि प्रेशर गॉज कहाँ पे लगा होता है मोटर पे, तो सिंपल प्रेशर गॉज अदर फिटिंग्स इंक्लूड ए प्रेशर गॉज ऑन द डिलीवरी ब्रांच, ठीक है, डिलीवरी ब्रांच पे प्रेशर गॉज लगा रहता है, ठीक है, ए वैक्यूम गॉज ऑन द सक्शन ब्रांच एज एन ऑप्शनल फिटिंग्स, ठीक है, तो वैक्यूम गॉज जो है कि सक्शन ब्रांच में होता है जो कि ऑप्शनल फिटिंग्स है, दिया भी सकता है नहीं भी दिया सकता है, एंड हाइड्रोलिक बैलेंसिंग डिस्क ऑन द काउंटरैक्ट द थ्रस्ट
और हाइड्रोलिक बैलेंसिंग डिस्क जो है कि थ्रस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पाइप एंड वाल्व्स, ठीक है, पाइप एंड वाल्व्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है देखना है फिर, ठीक है। केसिंग है, सक्शन है, इम्पेलर है, ठीक है, स्टेज वन स्टेज टू है, ठीक है, फिर अदर स्टेजेज यदि है तो उसको बढ़ेगा आगे, शाफ्ट है वो, ठीक है, डिलीवरी है, फाइनल स्टेज है, ठीक है। अब वो रहा है क्या, द रिक्वायरमेंट्स इन द सक्शन पाइप ऑफ ए टर्बाइन पम्प्स आर द टोटल सक्शन लिफ्ट इंक्लूडिंग वर्टिकल लिफ्ट, पाइप फ्रिक्शन एंड द फ्रिक्शन ऑफ द फुट वाल्व्स एंड स्ट्रेनर शुड नॉट एक्सीड 5 मीटर अप टू द सेंटर ऑफ द पम्प, सेंटर लाइन ऑफ द पम्प। बोल रहा है क्या, द टोटल सक्शन लिफ्ट, द टोटल सक्शन लिफ्ट इंक्लूडिंग वर्टिकल लिफ्ट, पाइप फ्रिक्शन एंड द फ्रिक्शन ऑफ द फुट वाल्व एंड स्ट्रेनर शुड नॉट एक्सीड 5 मीटर अप टू द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन से 5 मीटर से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, अप टू द सेंटर लाइन ऑफ द पम्प, ठीक है। द सक्शन पाइप शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल ऑफ द लार्ज डायमीटर, सक्शन पाइप जो है कि जितना हो सके वो छोटा होगा, एज शॉर्ट एज पॉसिबल ऑफ लार्ज डायमीटर एंड हैव मिनिमम नंबर ऑफ बैंड्स, और उसके पास कम से कम बैंड्स हो, ठीक है, सक्शन पाइप के पास मिनिमम नंबर ऑफ बैंड्स और एल्बोज, ठीक है। द पाइप लाइन शुड राइज ऑल द वे टू द पम्प सो एज टू अवॉइड एयर पॉकेट्स, ठीक है। पाइप लाइन जो है कि राइज करेगा ऑल द वे, सभी रास्तों में पाइपलाइन राइज करेगा ऑल द वे टू टू द पम्प सो एज टू अवॉइड एयर पॉकेट्स, ठीक है, एयर पॉकेट्स को अवॉइड करने के लिए। द इफिशियंट स्ट्रेनर शुड बी फिटेड वेल बिलो द लोवेस्ट लेवल, इट शुड बी बॉर्न इन द माइंड दैट व्हेन द इम्पेलर ऑफ ए सेंट्रिफ्यूगल और टर्बाइन पम्प्स रोटेट्स, इट कॉजेज अ सक्शन इफेक्ट इन द पम्प एंड वाटर एंटर्स द सक्शन पाइप एज द एटमोस्फेरिक प्रेशर फोर्सेज द वाटर इन द सक्शन चैम्बर, ठीक है। बोल रहा है क्या, इम्पेलर ऑफ ए सेंट्रिफ्यूगल पम्प हो या तो टर्बाइन पम्प जो रोटेट करता है, ठीक है, इम्पेलर ऑफ ए सेंट्रिफ्यूगल और टर्बाइन पम्प रोटेट्स, इम्पेलर यदि रोटेट करता है तो इट कॉजेज ए सक्शन इफेक्ट, तो ये सक्शन इफेक्ट को कॉज करता है, ठीक है, इन द पम्प एंड वाटर इंटर्स द सक्शन पाइप, और वाटर इस तरह से सक्शन पाइप में इंटर करता है, एज टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर फोर्सेज द वाटर, और इस प्रकार से एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वाटर को फोर्स करता है, एज द एटमोस्फेरिक प्रेशर फोर्सेज द वाटर इन द सक्शन चैम्बर, सक्शन चैम्बर में फोर्स करता है, ठीक है। द एटमोस्फेरिक प्रेशर कैन हाउएवर होल्ड ए वाटर कॉलम, और इस तरह से एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है ना कॉलम पे, सक्शन कॉलम पे, ठीक है। थियोरिटिकली विच इज 10 मीटर हाई एट अ सी लेवल, ठीक है, तो सक्शन बड़ा बोल रहा है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है 10 मीटर हाई अबव द सी लेवल हमारा होना चाहिए, किस तरह से, सक्शन चैम्बर, ठीक है, सक्शन चैम्बर, एटमोस्फेरिक प्रेशर फ्रॉम द वाटर इन द सक्शन चैम्बर, ठीक है, तो सक्शन चैम्बर हमारा थियोरिटिकली 10 मीटर हाई अबव द सी लेवल होना चाहिए, ठीक है, सी लेवल से 10 मीटर हाई हमारा सक्शन चैम्बर होना चाहिए, इफ द वाटर एट द एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, और वाटर यदि एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पर हो, नो मैटर हाउ इफिशियंट द पम्प इज, इट कैन सक वाटर ओनली अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 9 मीटर एट सी लेवल, ठीक है। बोल रहा है कि कितना इफिशियंट पम्प है इसमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम इट कैन सक वाटर अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 9 मीटर एट सी लेवल, ठीक है, मैक्सिमम 9 मीटर सी लेवल से 9 मीटर ऊंचा तक ये क्या करता है ना कि पानी को सक कर सकता है, ठीक है। द एटमोस्फेरिक प्रेशर कैन पुश इट अप ओनली अप टू द वर्टिकल हाइट, और इस प्रकार से एटमोस्फेरिक प्रेशर इसको पुश करता है कब तक ना, वर्टिकल हाइट कितना में, ओनली अप टू द वर्टिकल हाइट में, ठीक है, कितना वर्टिकल हाइट तक, 9 मीटर अप टू द सी लेवल, ओनली एटमोस्फेरिक प्रेशर कैन पुश इट ओनली अप टू द सेम वर्टिकल हाइट, ठीक है। इन प्रैक्टिस हाउ एवर द वर्टिकल लिफ्ट ऑफ द 4 से 5 4 से 5 मीटर शुड बी कंसिडर टू बी द कन्वीनियंट मैक्सिमम हाइट ऑफ ए 4A सक्शन पाइप, ठीक है, और इस प्रकार से वर्टिकल लिफ्ट ऑफ द 4 से 5 मीटर शुड बी कंसिडर टू बी द कन्वीनियंट मैक्सिमम हाइट फॉर ए सक्शन पाइप, ओके। स्टार्टिंग सेंट्रीफ्यूगल और टर्बाइन पम्प, सेंट्रीफ्यूगल और टर्बाइन पम्प को कैसे स्टार्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल और टर्बाइन पम्प मस्ट नेवर बी स्टार्टेड विदाउट प्राइमिंग, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पम्प और टर्बाइन पम्प जो भी मैंने प्राइमिंग के बिना हमारा स्टार्ट होता नहीं है विद वाटर, एज इट डज नॉट क्रिएट ए वैक्यूम ऑफ मोर देन अ फ्यू सेंटीमीटर्स व्हेन वर्किंग ऑन एयर, ठीक है। द प्रोसीजर टू बी एडॉप्टेड टू स्टार्ट ए सेंट्रीफ्यूगल और टर्बाइन पम्प इन इज फॉलोज, किस प्रकार से हम लोग प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं वो हमारा दिया गया है, ठीक है। बिफोर प्राइमिंग कीप द एयर कॉक ऑफ ईच स्टेज, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं प्राइमिंग करने से पहले एयर जो है ईच कॉक में हम लोग ओपन करते हैं, व्हेन द पार्टिकुलर स्टेज इज फुल ऑफ वाटर द एयर कॉक विल कवर ओवर फ्लो विथ वाटर, क्लोज द एयर कॉक वैन द वाटर ओवर फ्लोज फ्रॉम इट, ठीक है, क्लोज द मैन वाल्व ऑन द डिलीवरी कॉलम, मैन वाल्व जो है डिलीवरी कॉलम में खोल देना है, क्लोज द सॉरी बंद कर देना है, क्लोज द मैन वाल्व ऑन द डिलीवरी कॉलम। फिर अगेन बोल रहा है क्या, चेकअप फॉर एनी लीकेज ऑफ एयर, किसी प्रकार का यदि लीकेज है एयर में तो उसको हम लोग चेक करना है, ठीक है, और बोल रहा है क्या,
और वाटर ऑन द सक्शन पाइप एंड ओनली अप टू द एयर कॉक्स, और एयर कॉक्स के अप टू द हमको अप टू लिमिट हमको क्या करना है, चेक करना है किसी प्रकार का लीकेज का एयर का, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फॉर गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट पम्प्स एंड मशीन पम्प एंड हाइड्रोलिक्स, ठीक है, मोनोपम्प, प्रोटोपम्प, टर्बाइन पम्प तो आज डिस्कस हो ही चुका है, और भी कुछ डिस्कशन है तो हम आगे फर्दर वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है, कीप कंटिन्यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।